सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एक बार फिर से हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉप नाइन। मैं जानती हूं आप सभी हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई इंतजार हो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जो आप सभी को जानने को मिलती हैं। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर आज की तमाम टॉप नाइन हॉट स्पाइसी चटपटी खबरों पर। सोना महापात्रा और श्वेता पंडित ने अनु मलिक के खिलाफ शोषण का आरोप लगाया था। श्वेता ने तो ये तक कह दिया था कि अनु मलिक ने उन्हें किस करने के लिए बोला था, लेकिन अब इन सब आरोपों के बाद ऐसा लग रहा है कि अनु मलिक का करियर बर्बादी की कगार पर पहुंचने वाला है। जी हां, अनु मलिक #MeToo कैंपेन के तहत काफी बुरे फंस चुके हैं। खबरों की माने तो हर कोई सोनी टीवी से सवाल कर रहा है कि आखिर इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अनु मलिक इंडियन आइडल 10 के जज कैसे बने हुए हैं। सोनी टीवी ने फिलहाल इस मुद्दे पर चुप्पी बना रखी है और उनका सिर्फ इतना कहना है कि इस पूरे मामले पर उनकी नजर है। तो वहीं कहा जा रहा है कि अनु मलिक को इंडियन आइडल से निकाला जा सकता है। आशिक बनाए गर्ल तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर का विवाद हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। जिस तरीके से तनुश्री दत्ता अपने बयान पर टिकी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाना पाटेकर भी अपने बयान पर टिके हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच काफी टक्कर का मुकाबला चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि तनुश्री दत्ता का अभी हाल ही में सिंटा पर काफी ज्यादा गुस्सा फूट गया। दरअसल आपको बता दें तनुश्री दत्ता सिंटा से थोड़ी सी नाराज हो गई हैं। खबरों की माने तो तनुश्री का कहना है कि सिंटा के अधिकारियों से उनकी कानूनी सलाहकारों और वकीलों की मौजूदगी में मीटिंग हुई। इस दौरान तनुश्री ने वकील के संबंध में मदद मांगी ताकि वो उनके खिलाफ दर्ज केस को अच्छे से लड़ सकें। हालांकि एसोसिएशन ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के विरुद्ध था। बाद में तनुश्री दत्ता से लिखित में नई शिकायत देने को कहा गया। उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि सिंटा में शिकायत लेकर गए, जिसे ये कहकर लौटा दिया गया कि और तनुश्री खुद नहीं आई हैं, इस वजह से इसके साथ उनका कवर लेटर होना जरूरी है। तनुश्री ने इसके बाद शिकायत के साथ कवर लेटर दिया जिस पर उनके सिग्नेचर हो रखे थे, जिसके बाद से तनुश्री दत्ता काफी ज्यादा नाराज हो गई। वेल, अब देखना ये होगा कि ये केस अब कोई नया मोड़ पकड़ता है या फिर नहीं। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान, जो हमेशा ही अपने स्टाइल अपने स्वैग को लेकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है, अब करीना चाहे अपने बेटे तैमूर अली खान को लेकर खबरों में हो या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, लेकिन हमेशा ही उनका जलवा देखने को मिलता है। वही बता दे दोस्तों कि तैमूर की मम्मी यानी करीना की ड्रेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। बता दे कि तैमूर की माँ यानी करीना का जलवा फिल्म कुछ कुछ होता है के 20 साल के जश्न पर कुछ ऐसा रहा कि वो चर्चा का विषय बन गई। करीना पार्टी में खूबसूरत बाल मैन प्लंज नेक ड्रेस पहन कर पहुंची थी, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वही अपनी ड्रेस की वजह से करीना कपूर खान एक बार फिर से आप सभी के बीच चर्चाओं में आ चुकी है। अब इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि हमेशा ही उनका ये जलवा कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही रहता है। सनी देओल अपनी बेटे करण देओल के डेब्यूट फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। पल पल दिल के पास फिल्म के जरिए सनी देओल के बेटे करण देओल बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं सनी देओल की दादी सतवंत कौर के साथ उनकी उस आखिरी तस्वीर के बारे में, जो हर किसी की आंखों में आंसू ले आए। रुला सकती है ये तस्वीर, जिसे देख कोई भी शायद यकीन न कर पाए कि वाकई में इस तरह था दादी और पोते के बीच का ये प्यार। रोते हैं बेटे धर्मेंद्र जब भी करते हैं वो बात अपनी माँ की। जिस तरह से वो इमोशनल कविता लिखते हैं अपनी माँ के लिए, तो सभी जानते हैं कि वो अपने माँ के बेहद करीब थे। देखिए जरा ये तस्वीर, जिसमें सनी देओल की दादी माँ उनके साथ नजर आई है। बर्थडे बॉय सनी देओल के जन्मदिन पर ये तस्वीर खास तौर पर उनके फैंस की तरफ से शेयर की गई थी।
बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया। तो वहीं आपको बता दें, हेमा मालिनी ने बीते ही दिनों अपने पति धर्मेंद्र को लेकर एक काफी चौंकाने वाला खुलासा भी किया। खबरों की माने तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी ने मुझे फोन करके आई लव यू बोला था। उन्होंने कहा कि उन दिनों में ये बहुत मुश्किल था क्योंकि लैंडलाइन फोन होते थे और आपको फोन पर बात करने के लिए एक उच्च स्थान देखना पड़ता था। रोमांस बहुत ही खूबसूरत चीज है, मैं केवल धर्म जी की वजह से ये भावना व्यक्त कर सकती हूँ। इतना ही नहीं, हेमा ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप इसे किसी के साथ भी व्यक्त कर सके। वेल, अब हेमा के इस बयान से तो ये साफ हो गया है कि भाई वो अपने पति धर्मेंद्र से बेइंतहा प्यार करती है और उन्होंने प्यार करना भी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र से ही सीखा हुआ है। देश भर में इन दिनों हैशटैग मीटू अभियान बड़ी ही तेजी से वायरल होता दिखाई दे रहा है। हाल ही में देखा जा रहा है कि इस अभियान के बाद तमाम हसीनाएं अपने दर्द को बयां करती दिखाई दी। तो वहीं हाल ही में सलमान की ऑन स्क्रीन भाभी कहलाए जाने वाली रेणुका शहाणे ने अपने दर्द को बयां किया है, जहां पर रेणुका ने कहा है कि मैं नहीं जानती हूँ कि ऐसी एक भी महिला होगी जिसके पास मीटू की कहानी नहीं होगी। मेरी कहानी में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति शामिल नहीं था, ये काफी समय पहले हुआ था, लेकिन इसने मुझे प्रभावित किया, इसने मेरे दुनिया देखने के नजरिए को प्रभावित किया। शाणे ने आगे कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोकल ट्रेन और बसों में सफर करते हुए बिताई है। यात्रा के दौरान आपको पता होता है कि कोई आपको छूकर, आपको जानबूझकर ये तमाम चीजें कर रहा होता है। क्या फर्क नहीं पड़ता कि आप किस उम्र के हैं, आप शादीशुदा हैं या गर्भवती हैं, ये ऐसी सोच है जो शायद ही कभी खत्म हो। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा, जो हमेशा से खबरों का कारण बनी रहती है, हाल ही में प्रियंका इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां पर प्रियंका निक के फैंस उनकी शादी का इंतजार कर रहे थे, तो वही हाल ही में कहा जा रहा है कि उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर है। जी हाँ, जहां पर इस साल 2 दिसंबर में प्रियंका निक की शादी हो जा रही थी, तो वही खबरें हैं कि प्रियंका निक जनवरी के 14-15 तारीख को शादी करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि ये दोनों शादी की तैयारियां जहां पर चल रही हैं, ये तैयारियां इसी तरह से चलती रहेगी, मगर इन दोनों की शादी अब इस साल नहीं अगले साल होगी। हाँ, तो ये भी जा रहा है कि इन दोनों की शादी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा रॉयल वेडिंग हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही जोधपुर में शादी करेंगे। अब फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि शादी की डेट आगे हो चुकी है। बॉलीवुड में इन दिनों तनुश्री नाना विवाह काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में हर कोई जानता है कि तनुश्री ने नाना पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं हाल ही में पिछले दौरान तनुश्री को अपनी बहन और चीजा के साथ नवरात्रि पूजा में देखा गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर तनुश्री, इशिता और उनके पति दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर तनुश्री दत्ता ने ब्लू चुन्नी को ले रखा है और व्हाइट सूट पहना हुआ है। मगर एक बार फिर से जब यहाँ पर उनकी बहन इशिता और उनके जीजा दुर्गा पूजा में मौजूद दिखे, तो इस बार ही तनुश्री दत्ता को यहाँ पर नहीं देखा गया, जिसके चलते तनुश्री दत्ता काफी ज्यादा ही अब ट्रॉल होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर फैंस उनसे सवाल भी पूछ रहे है कि क्या आप नाना पाटेकर से अब डर चुकी है। तमाम तरह के लोग यहाँ पर तमाम चीजों को कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं, हाल ही में ये तो हर कोई जानता है कि ऋषि कपूर इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। वहीं हाल ही में ऋषि कपूर से मुलाकात करने के लिए जावेद अख्तर न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां से उनकी एक तस्वीर सामने आ रही है जिसमें ऋषि, जावेद और नीतू को साथ देखा जा रहा है। यकीनन ये देखा जा रहा है कि बॉलीवुड के सितारे ऋषि कपूर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। वहीं ऐसे में ऋषि कपूर की अगर हालत की बात करें, तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऋषि कपूर काफी ज्यादा ही कमजोर भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ऋषि कपूर
न्यूयॉर्क में कौन सी बीमारी का इलाज करवाने के लिए गए हैं, मगर दुआएं हैं कि वो जिस चीज का इलाज करवाने के लिए गए हैं वो बेहद ही जल्द ठीक होके भारत लौटे। Well, दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आपको दिखाया बॉलीवुड से जुड़ी तमाम टॉप 9 खबरें जो इस समय काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी छाई हुई हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत, क्योंकि अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ ऐसी ही कुछ दिलचस्प टॉप 9 खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।